और प्रभावी वार करना होगा मुझे हनुमान पर। पूरा बच गया ये वानर। अश्व की मुक्ति है मेरा उद्देश्य, प्रभु श्री राम का काज है मेरा उद्देश्य, जिससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता। मेरे रहते व्यर्थ नहीं जाएगा राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कर का योगदान। कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे सामने आए, कोई भी मुझे रोकने का प्रयास करे, राम काज अधूरा कदापि नहीं रहेगा, कदापि नहीं रहेगा। प्रभु का अश्वमेध यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। साधारण युद्ध नहीं है ये, इस भक्त की भक्ति की परीक्षा है ये युद्ध। प्रभु श्री राम का कार्य है ये, जिसमें असफलता स्वीकार नहीं है मुझे। हनुमान की भक्ति, अपने प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा, उसमें असीम शक्ति का संचार करती है। नहीं तो नंदी और वीरभद्र जैसे महायोद्धाओं से कोई कैसे युद्ध करे। प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा सहन नहीं करूंगा मैं। नंदी और वीरभद्र के पश्चात कहीं हनुमान मुझ पर तो वार नहीं करेगा। हे महादेव, अब आप ही अपने शरणागत भक्त की रक्षा कीजिए। नंदी जी और वीरभद्र की पराजय का अर्थ है कि अब हनुमान को स्वयं महादेव के साथ युद्ध करना होगा। महादेव के त्रिशूल से संघर्ष में तो हनुमान के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया था। अब यदि रुद्र स्वयं रुद्रांश से युद्ध करेंगे तो न जाने कैसा महासंकट उत्पन्न हो जाएगा। भोले बाबा, प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए कार्य में असफल हो चुका हूं मैं। राजकुमार शत्रुघ्न आहत मूर्छित पड़े हैं और वीरभद्र के हाथों राजकुमार पुष्कर का वध हो गया। उन दोनों को सुरक्षित नहीं रख सका मैं, किंतु अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत,
लड़े भगवान से ये कैसी गरी। उचित है हनुमान, तुम अपने धर्म का पालन करो, किंतु मैं भी वचनबद्ध हूँ अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्थात सुरक्षित हूँ मैं, स्वयं रुद्र के समक्ष कहाँ टिक सकेगा ये रुद्रांश। एक दूसरे सम शिव शिव अंशा, चिंतित सब चित मन आशंका। उत सृष्टि संहारक शक्ति, इत बल के पर्याय की भक्ति। उत खड़े रौद्र रुद्र त्रिलोचन, इत सृष्टि के संकट मोचन। असमंजस मह पड़े कपिराई, शिव कपि शत्रु बन अकुलाई। राम भगत की जय, जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोले बाबा, हनुमान का नमन स्वीकार करे प्रभु। अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। नियति के समक्ष हम दोनों विवश है हनुमान। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अपने प्राण देकर भी प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। निस्वार्थ भाव से अपने बल और बुद्धि से धर्म के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया है तुमने, किंतु क्या मुझसे युद्ध कर सकोगे तुम? अपने अस्त्र उठाओ हनुमान और युद्ध प्रारंभ करो। ये क्या करने जा रहा था मैं? मेरे पिता तुल्य हैं आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं आप। मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? रुक जाओ हनुमान, पीछे जाने का अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना। यदि वास्तव में अपने गुरु का सम्मान करते हो हनुमान, तो मेरे शिष्य होने के नाते पीछे हटने के पूर्व एक बार पुनः विचार कर लो। परंतु? किंतु परंतु का नहीं, ये समय युद्ध का है हनुमान। युद्ध में केवल शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, भावुकता का नहीं। प्रहार का प्रयोक्ता प्रहार से दिया जाता है, याचना से नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हनुमान को स्वयं युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं? तुम्हारे प्रभु ने तुम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास का मान रखो हनुमान। आगे बढ़ो और अपने पौरुष का परिचय दो बजरंगी। वीरता से युद्ध कर अपना महायोद्धा पुकारा जाना सार्थक करो महावीर। प्रभु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर प्रभु का महान सेवा कहलाना सार्थक करो राम भक्त हनुमान, राम भक्त हनुमान। इस युद्ध का क्या अर्थ है? ये तो अनर्थकारी सिद्ध हो रहा है। स्वामी, जो युग युगांतर में नहीं हुआ वो आज क्यों होने जा रहा है? देवी, जो घटना पूर्व नियत है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो तो घटित होकर ही रही।
स्वामी, प्रभु और भक्त का, पिता और पुत्र का, रुद्र और रुद्रांश का कैसा अनिष्टकारी युद्ध है ये? क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? सृष्टि में कुछ भी कभी अकारण नहीं होता प्रिय। इस संसार को इस युद्ध से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। रात्रि के बाद ही दिवस आता है, अशुभ के बाद ही शुभ का संचार होता है, वैसे ही विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। संभव है निर्माण के पूर्व होने वाले विनाश का प्रारंभ हो गया है। निर्णय लो हनुमान, क्या करोगे तुम? पीछे हटकर अपने प्रभु को असफल सिद्ध करोगे या आगे बढ़कर उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करोगे? असमंजस जो फंसे कबीराई, तब शिव धर्म का मार्ग बताई। हनुमत निष्ठा राम पे धारे, युद्ध श्री शंकर संग स्वीकारे। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन्न कर रहा है। विराट सृष्टि का विध्वंस सोच कर, अद्भुत दृश्य था ये। कैसे ये दिव्य सर्प महादेव के धनुष पिनाक में परिवर्तित हो गए। हनुमान ने महादेव के पिनाक धनुष का उत्तर देने के लिए उन्हीं के धनुष विजया का आवाहन किया है। महादेव के धनुष के समान दिव्य धनुष का आवाहन तो अवश्य किया है हनुमान ने, किंतु उनके अस्त्र प्रभु के दिव्यास्त्रों का सामना कहां कर सकेंगे? मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान, किंतु स्मरण रहे ये रण है जिसमें मैं तुम पे भीषण से भीषण प्रहार करूंगा। स्तब्ध क्यों हो हनुमान, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मयूर बाण, धर्म का अधर्म से संघर्ष तो अनेकों बार देखा है मैंने, किंतु प्रथम बार धर्म को धर्म से युद्ध करते देख रहा। पिता और पुत्र दोनों ही अपार शक्तियों से संपन्न है, न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। तुम्हारा पराक्रम प्रमाणित करता है कि तो हुई है प्रभु। तो आओ पुत्र, अब इस युद्ध में और भी कठिन परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नाग विषास्त्र प्रकट हो। प्रभु महादेव तो महाविनाशक महाअस्त्र नाग विषास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब उनका साधारण नागबाण इतना भयंकर था, तो उनका महाअस्त्र तो अनेक गुना और प्रबल होगा।
खतरा। स्वामी के महानाग विषास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, करुणास्त्र भी उसको निरस्त नहीं कर सकता। प्रभु के बाण ने तो निगल लिया हनुमान के गरुड़ास्त्र को। अस्त्र का विषैला धूम्र मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं अपनी चेतना नहीं खो सकता। हनुमान अपना और अपनी सेना की रक्षा कैसे करेंगे? ये तो महादेव के अस्त्र का प्रभाव, इससे अपना बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हनुमान भले ही नीलकंठ महादेव का अंश है, किंतु नागवि शास्त्र में तो ब्रह्मांड के समस्त विष का प्रभाव समाहित है। वो महादेव का ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरे पुत्र हनुमान को क्षति पहुंचा सके। मेरा आशीर्वाद जो है उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगी इस युद्ध। हनुमान, प्रतीत होता है तुम्हारे गरुड़ अस्त्र ने मेरे नागवि शास्त्र की कुछ शक्ति हर ली, अन्यथा इतने समय में तो उसका विष तुम्हारे प्राण हर लेता। इतनी सरलता से तुम पराजित नहीं हो सकते। क्या अपनी शक्ति भूल रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो? भूल रहे हो कि तुम्हें राम काज संपन्न करना है? सकुशल रहेगा हनुमान, रक्षित रहेगा हनुमान। शिष्य कुछ नहीं भूला भोले बाबा, निश्चित है। धन्य हो पुत्र, अपने अंश रुद्रांश से मुझे यही आशा थी। कैसी दुविधा, कैसी विडंबना है ये। मैं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर जो मेरे पति मेरे स्वामी के साथ युद्धरत है, और कोई नहीं, मेरा पुत्र है। स्त्री के लिए इससे अधिक पीड़ा का कारण और क्या हो सकता है कि महाविनाशक युद्ध में एक ओर उसका पति हो और दूसरी ओर उसका पुत्र। अब मेरे रुद्रांश को मेरे रुद्रास्त्र का सामना करना होगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही रुद्रास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, अपने ही रुद्रांश पर। रुद्रास्त्र तो वो अस्त्र है जिसमें सभी 11 रुद्रों की शक्ति समाहित है। मैं रुद्रास्त्र का आवाहन करता हूं। Thank you.
अग्न्यास्त्र, वायु अस्त्र और वरुण अस्त्र का आवाहन करता हूं। हमारे अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति भी प्रभु के रुद्रास्त्र का साथ नहीं। हनुमान को इस महासंकट से निकलने के लिए कोई और उपाय करना होगा। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरी। ईश्वर हो या साधारण मानव, धर्म की मर्यादा का पालन जो निजी लाभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर करते हैं वही सफल होते हैं।